जब भी आप मार्केट में जाते हैं मोबाइल लेने के लिए या पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड या हार्ड डिस्क लेने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो वहाँ पर देखते होइएगा कि आपको अगर जो 8 GB रहता है 16 GB रहता है, तो वहाँ आप जो 16 GB का रहता है जो मेमोरी कार्ड रहता है या पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क जो रहता है, तो 16 GB के बजाय आपको 14.5 GB ही क्यों दिखाई देता है। कभी इस बात को नोटिस किए हैं? अगर किए हैं तो आप सोचते होंगे, अरे यार हमें तो 16 GB का पैसा ले लिया और ये जो हमको डुप्लीकेट पकड़ा दिया, या कहीं आपको ये डुप्लीकेट का जो है माइंड में नहीं आता होगा तो आप ये सोचते होंगे, अरे यार 16 GB का ले लिया और जो है कंपनी मेरे साथ धोखा कर रही है, है ना, हम दिए 16 GB का पैसा और ये जो है आ गया हमको 14.5 GB। तो आप जो है बहुत टेंशन में रहते हैं कि यार अब न अगले बार से दुकान में जाऊँगा ही नहीं लेने के लिए, ये जो है घटिया सामान देता है। 16 GB का बोला और हमको जो आया चेक किया तो हमको 14.5 GB ही इसमें आप मेरा जो है स्टोरेज मिला। तो कभी कभी जो है ना आप लोगों के माइंड में ये सब जो है बातें आती रहती है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आपके पास 16 GB है, 8 GB है, 32, 64 कुछ भी GB है, तो उसका स्टोरेज कम क्यों आपको जो है चेक करते हैं लैपटॉप में मोबाइल में, तो उसका स्टोरेज आपको कम क्यों दिखाई देता है, इस बात को नहीं जाने हैं। बस आप सोचते हैं अरे मेरे साथ कंपनी जो है फ्रॉड कर रही है, या हमको डुप्लीकेट पेन ड्राइव हार्ड डिस्क मेमोरी कार्ड दे दिया, या मोबाइल में स्टोरेज है ना वो भी कम में दे दिया है अगर आप नया मोबाइल लेते हो तो। तो इस बात को आपने नोटिस नहीं किया होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में आज स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप समझेंगे कि अगर आपके पास 4 GB, 8 GB, 16 GB तो उसका स्टोरेज जो है 14.5 GB ही क्यों दिखाई देता है। तो ये जानने के लिए आपको इस वीडियो में लास्ट तक बनना होगा। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियो पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे समझेंगे कि अगर आपका 4 GB 16 GB मेमोरी तो उसका जो है स्पेस आपको 14.5 GB ही क्यों दिखाई देता है। आप ये नहीं सोचिए कि आपका जो है डुप्लीकेट पेन ड्राइव या आपको जो है मेमोरी कार्ड या हार्ड डिस्क दे दिया है। तो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे समझेंगे कि आपका जो है पेन ड्राइव है या मेमोरी कार्ड है, या अगर आप कोई नया स्मार्टफोन लिए हैं तो उसका स्टोरेज कम क्यों दिखाई देता है। तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक बनना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो नया स्मार्टफोन लेते हैं या मेमोरी कार्ड लेते हैं, पेन ड्राइव लेते हैं या हार्ड डिस्क लेते हैं, तो उसमें जो है मेरा जो है अगर 16 GB का लेते हैं हम मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव लेते हैं तो उसका जो है स्पेस जो है ना आपको 14.5 GB ही क्यों दिखाई देता है। इस बात को आप जो नोटिस किए होंगे तो आप सोचते होंगे अरे मेरे जो है ना डुप्लीकेट दे दिया है या कंपनी मेरे साथ धोखा कर रही है, 8 GB का पैसा लिया और 14.5 GB ही हमको दिया, ये क्यों कंपनी है, ये फ्रॉड है, अब अगले बार तो जो है ना भैया हमको ये कंपनी का लेना ही नहीं है, हम दूसरे कंपनी का लेंगे। तो बहुत सारे लोगों को माइंड में ना ये सब चलते रहता है। तो मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आपका 16 GB का जो है पेन ड्राइव है या मेमोरी कार्ड है तो वो जो है 14.5 GB ही क्यों दिखाई देता है। ये सब होता है आपकी जो है मेमोरी यूनिट की वजह से। अगर आप जो है किसी से पूछिए कि भैया 4 GB 3 GB का मेमोरी है तो उसमें मेरा कितना डेटा इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, तो वो भी जिससे पूछिएगा ना वो भी हिसाब लगाने लगते हैं, हाँ 1 GB का मतलब ना भैया 1000 MB हो गया, 2 GB का मतलब 2000 MB हो गया, तो मतलब है ना इसी हिसाब से 4000 MB 3000 MB आपका इसमें डेटा जो है आ जाएगा, चाहे आप फोटो रखिए, वीडियो रखिए या ऑडियो रखिए, तो वो भी ना इसी तरीके से हिसाब लगाने लगते हैं। जबकि आप जो है ये नहीं सोचे होंगे कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर जो है मेमोरी यूनिट के हिसाब से जो है उसमें जो है इंस्टॉल करता है, वो मेमोरी यूनिट के हिसाब से अपने अंदर जो है डेटा को इंक्रिप्ट करता है, स्टोर करता है। जैसे कंप्यूटर जो है वो 1 GB बराबर 224 MB कंप्यूटर के हिसाब से होता है, उसी तरीके से जो होता है मैनुफैक्चर जो कंपनी है जो बनाती है उसके हिसाब से 1 GB का मतलब होता है 1000 MB। तो यहाँ जो है आप जो है यही सारा डिफरेंसेस आ जाता है। यहाँ देख रहे हैं 24 MB का आपका यहाँ पे डिफरेंस आ गया है। कंप्यूटर के हिसाब से कंप्यूटर
मेमोरी के हिसाब से 1 GB का मतलब हो जाता है 1024 MB, मतलब 1024 MB। उसी तरीके से मैनुफैक्चर जो है कंपनी जो बनाती है मेमोरी कार्ड पेनड्राइव हार्ड डिस्क, तो उसके हिसाब से जो होता है 1 GB का मतलब होता है 1000 MB। देखें ना भैया, यही सारा हेर फेर खेला आपका जो है हिसाब किताब जो है टोटल आपका यहीं पर गड़बड़ हो जाता है। कंप्यूटर जो समझता है 1 GB का मतलब 1024 मतलब 1024 MB, और मैनुफैक्चर जो कंपनी बनाती है वहाँ 1 GB का मतलब वो देती है 1000 MB। तो जैसे आप, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं, यहाँ पर देखते हैं कि जैसे मैं आपको बता दूं कि ये यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट, यहाँ पर देख रहे हैं 1 बिट मतलब बाइनरी डिजिट भी बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बाइट आ जाता है, KB आ जाता है, MB आ जाता है, GB आ जाता है, TB, PB, इस तरीके से यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहीं पर जो है भैया सारा हिसाब किताब ना आप लोगों का गड़बड़ हो जाता है। आप लोग समझते होंगे अरे यार हमको ना गड़बड़ दे दिया मेमोरी कार्ड पेन ड्राइव हार्ड डिस्क गड़बड़ दे दिया, ये हमको कंपनी जो है मेरे साथ फ्रॉड किया, लिया पैसा कुछ का दे दिया कुछ। तो ऐसा नहीं है ना, कंपनी जो है अपने हिसाब से जो है प्रोडक्ट बनाती है, और 1 GB का मतलब होता है 1000 MB, जबकि कंप्यूटर के हिसाब से, कंप्यूटर यूनिट के हिसाब से जो होता है 1 GB का मतलब होता है 1024 MB। यहीं पे है ना भैया सारा हिसाब किताब ना गड़बड़ आपका हो जाता है। आप समझते हैं कुछ, कंप्यूटर समझता है कुछ, और जो मैनुफैक्चर है कंपनी है वो बनाती है कुछ, तो सारा हिसाब किताब है यहीं पर गड़बड़ रहता है। तो चलिए हम कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि ये जो है कैसे क्या होता है, कंप्यूटर कितना समझता है, मैनुफैक्चर कितना देता है, यूनिट क्या है, एमबी क्या है। तो चलिए थोड़ा हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। 16 GB स्टोरेज बराबर, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 GB बराबर 1024 MB, इसी तरीके से 1 GB बराबर इतना बाइट्स आपको हो जाता है। यहाँ पर 16 GB बराबर आपको इतना बाइट्स आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैनुफैक्चर के हिसाब से, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 1 GB बराबर 1000 MB, इसी तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाता है 1 GB बराबर इतना बाइट्स। इसको 1000 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो आपको जो है मल्टीप्लाई करने के बाद 16 GB बराबर इतना बाइट्स आपको मिल जाता है। अगर आप नीचे वाले जो है यूनिट और ऊपर वाले यूनिट का भाग कर देते हैं तो आपको 14.5 जो है GB अप्रोक्स में आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे और ऊपर वाला जो है इन दोनों में कितना बड़ा डिफरेंसेस आ चुका है। तो भैया जो होता है ना यहीं पर आपको सारा हिसाब किताब है ना, सारा हिसाब किताब यहीं पर आपको गड़बड़ हो जाता है। अब कंप्यूटर यूनिट के हिसाब से आपको देख रहे हैं कि 16 GB बराबर आपको इतना बाइट्स है, जबकि आप मैनुफैक्चर जो है कंपनी है उसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि 16000000 बाइट्स आपको यहाँ पे जो है यूनिट मिल जाता है। तो यही जो है इतना बड़ा डिफरेंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब आप सोचते रहते हैं कि भैया हम जो लिए हैं जो है मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव जो लेते हैं वो जो है ना हमको डुप्लीकेट दे देता है, या कंपनी मेरे साथ फ्रॉड कर रही है, धोखा कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो है कंप्यूटर यूनिट के हिसाब से आपको जो है 16 GB बराबर यहाँ पर आप देख रहे हैं 17179869184 बाइट्स है, जबकि यहाँ पे मैनुफैक्चर जो है कंपनी के हिसाब से है 16000000 बाइट्स यहाँ पे आपको मिलता है। तो भैया यहीं पे है ना सारा हिसाब किताब है जो यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। तो अब तो आप बहुत ही इजी तरीके से समझ गए होंगे कि जो आपको जो मेमोरी जो है वो जो कितना, अगर आप लेते हैं मार्केट में तो 16 GB लेते हैं, 8 GB लेते हैं, तो आपका जो मेमोरी जो है उसमें जो स्पेस रहता है तो ये जो है आपको जो मैनुफैक्चर के हिसाब से रहता है, न कि कंप्यूटर के हिसाब से। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ, और मेरे वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होगा।